सांसद संभल की चंदोसी में आम जनता भी गरीब और असहाय लोगों को मास्क तैयार करके कर रहे हैं वितरित। इस समय देश भर में कोरोना वायरस का असर बढ़ता ही जा रहा है, जिसको देखते हुए देश में विभिन्न प्रदेश सरकारों ने मास्क पहनकर ही घर से निकलना अनिवार्य कर दिया है। लेकिन मास्क की मांग बढ़ने से इनकी बाजार में कमी हो गई है। इसी को देखते हुए जनपद संभल की चंदोसी में आम जनता भी अपने घरों पर ही गरीब और असहाय लोगों के लिए मास्क तैयार कर रही है। इस विषय में मास्क तैयार करने वाले नईम अख्तर ने बताया कि वे ये मास्क गरीब और असहाय लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं, जिन्हें वे निःशुल्क वितरित कर रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति पैसे भी देता है तो वह उन पैसों के लिए भी मास्क तैयार कर वितरित कर देते हैं। हमारा नाम नईम अख्तर है। अच्छा, आप जो मास्क बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं? हम ये मास्क इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये जो है नहीं, मार्केट में जो है ये जरा कम्प्लीट भी नहीं है और जो है आ भी नहीं पा रहा है लॉकडाउन की वजह से, और ये जो है महंगा भी ज़्यादा है क्योंकि माल की पूर्ति नहीं हो पा रही। हमने सोचा क्यों नहीं अपने घर पर तैयार करें, जो लोग नहीं खरीद सकते हम उनको ये मास्क दे रहे हैं। जो लोग बिना मास्क के रोडों पर चल रहे हैं वो गलत है, और ये जो है हमें जो भी आदमी दिखाई देता है रोड पर बिना मास्क के, हम उसको फ्री में दे देते हैं। अब तक कितने मास्क आप वितरित कर चुके हैं? हमने अब तक 1500 मास्क बांट चुके हैं। कुछ लोग हमें थोड़े से पैसे भी दे देते हैं तो हम उसका कपड़ा लाकर इलास्टिक लाकर ही उसका उसमें लगा देते हैं। ये है क्योंकि कुछ लोग गरीब भी हैं जो रोडों पर चल रहे हैं, नहीं ले सकते मास्क। कब तक करेंगे आप इसे? ये जब तक ये लॉकडाउन रहेगा, जब तक ये महामारी का दौर रहेगा, जब तक ये करेंगे।